30-40 के दशक की एक और मशहूर अभिनेत्री थी बिब्बो, जिनकी जोड़ी सुरेंद्र के साथ काफी पसंद की गई। इस जोड़ी ने मनमोहन, जागीरदार, ग्रामोफोन सिंगर, डायनामाइट और लेडीज ओनली जैसी कई हिट फिल्में दी। उनका असली नाम था इशरत सुल्ताना, जो कि एक ट्रेंड सिंगर थी और दिल्ली के चावड़ी बाजार से फिल्मों में बतौर सिंगर अपना करियर बनाने के लिए ही मुंबई गई थी। उन्होंने आलम आरा में भी एक भूमिका निभाई थी। अजंता सिनेटोन ने बतौर हीरोइन उन्हें पहली बार फिल्म रंगीला राजपूत में मौका दिया। उसके बाद उन्होंने अजंता की कई मशहूर फिल्में की और अदले जहांगीर नाम की फिल्म में संगीत भी दिया, जिसके निर्देशक थे खलील सरदार। 30 के दशक में ही उन्होंने खलील सरदार से शादी कर ली। फिर दोनों लाहौर चले गए, जहां उन्होंने रेनबो फिल्म्स की नींव रखी और कजाक की लड़की नाम की फिल्म बनाई। वो फिल्म नहीं चली और ना ही वो शादी, लेकिन उस दौरान अपनी आवाज और खूबसूरती के कारण बिब्बो लाहौर में काफी मशहूर हो गई थी। अपने मॉडर्न लुक्स और अपीयरेंस की वजह से वहां लोग प्यार से उन्हें कॉलेज बॉय कहने लगे थे, मगर मुंबई में तब तक उन्हें वो मकाम नहीं मिला था, तो इसीलिए वो एक बार फिर से मुंबई आई और महबूब खान ने उन्हें सागर मूवी टोन की फिल्म मनमोहन में लीड रोल ऑफर किया और यहीं से उन्हें असली शोहरत मिली। मनमोहन फिल्म से उनकी और सुरेंद्र की जोड़ी भी हिट हो गई। उस दौर में उन्होंने सागर मूवी टोन की बहुत सी हिट फिल्मों में काम किया। उनकी गिनती उस दौर की बेहद कामयाब अभिनेत्रियों में की जाती थी। कहते हैं उनका लाइफस्टाइल किसी महारानी जैसा था। उनके कपड़ों और जूतों पर हीरे जड़े होते थे। रेस का भी उन्हें बहुत शौक था। 1933 से 1947 तक उन्होंने हिंदी सिनेमा के अलग अलग स्टूडियोज के साथ काम किया और पार्टीशन के बाद वो पाकिस्तान चली गई। पाकिस्तान में उन्होंने ज्यादातर कैरेक्टर रोल्स किए। पाकिस्तानी फिल्म जहर इश्क के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ चरित्र अभिनेत्री का निगार पुरस्कार दिया गया। लेकिन कहते हैं उनका आखिरी वक्त बहुत ही गरीबी और तंगहाली में गुजरा और 25 मई 1972 में उनकी मौत हो गई।